कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। इस वक्त लोग अपने घरों में हैं, सड़कें सुनसान हैं। इसका असर अब देश में होने वाली मौत के आंकड़ों पर भी पड़ता दिख रहा है। देश के अलग अलग शहरों के शमशान घाट से जो रिपोर्ट सामने आई है वो बताती है कि लॉकडाउन लागू होने के बाद से शवदाह के आंकड़ों में भारी कमी आई है। इसकी कई वजह हैं, जिनमें रोड एक्सीडेंट्स में भारी कमी भी शामिल है। वहीं कुछ शहरों में अंतिम संस्कार करने वालों को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। रज्जू हाथरस के पतवाली मरघट पर काम करती है। इनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से अब अंतिम संस्कार के लिए कम लाशें आती हैं, जिस वजह से इनकी जिंदगी जैसे थम सी गई है। मरघट के धन से ही इनका गुजारा चलता है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल लाशें कम आ रही हैं। तो एक बात बताइए, पहले मैया ज्यादा आती थी या आप ज्यादा आते हैं? तो कोई मैया ही नहीं आ रही, भूखे और मर रहे हैं। यहाँ खाने को भी नहीं है, कोई मैया नहीं आ रही। यहाँ पे ना कोई ना दुनिया कह रही है माँ बट रहा है। जब यहाँ कोई मर करो ना तो मर के कौन आ रही है? अच्छा, कहाँ मर गए? मर रहे हैं। लॉकडाउन में मैयत कम आ रही है? बिल्कुल कम, मैयत ही नहीं आ रही। पहले खर्चा कैसे चलता था? दो महीना से तो एक बच्चा तक की ना आया कुछ भी। बता, पहले खर्चा ही मैयत चल आ जाती तो खर्चा तो चल रहा। अब कहाँ सा काम है लॉकडाउन में? माँ पे मत जा, माँ मत जा, मांगने तक ना जावे कोई। बता कहाँ से लाम है? तो पहले मैयत आती तो खर्चा चलता था। पहले मैयत आती खर्चा चलता। अब मैयत कहीं काम है? कब्रिस्तान वाले क्या खाते? मरे कहीं खाते, मरे कहीं पहनते? कब्रिस्तान वाले खाए क्या? छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे मर रहे हैं, पैसे मार। सरकार भी कुछ नहीं सोच रही है। सुन नहीं, और फैक्स भी करवा दियो कि चलो करबला वाले फैक्स करके आओ, फैक्स कराओ, फैक्स में भी कुछ ना दिया सरकार ने। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मृत्यु दर अचानक नीचे कैसे आ गया? जानकारों की माने तो लॉकडाउन की वजह से एक्सीडेंट में काफी कमी आई है, साथ ही लोगों की लाइफस्टाइल भी काफी बेहतर हुई है, पॉल्यूशन लेवल भी कम है और लोग एलोपैथिक दवाइयों का सेवन भी कम कर रहे हैं। और शायद यही कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से दूसरे सालों के मुकाबले इस साल मृत्यु दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों की माने तो सिर्फ सड़क दुर्घटना से लाखों लोग अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसमें भारी कमी आई है। कम होने का कारण है कि देश में इस समय बाहर निकलना मुश्किल बहुत कम हो गया है, इसलिए बाहर का खाना पीना लोग नहीं ले रहे, घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं। पेट के इन्फेक्शन बहुत कम हो गए, नंबर एक। नंबर दो, साफ सफाई इतनी ज़्यादा बता लोग सीख गए हैं कि पेट की जो इन्फेक्टिव डिसीजेज हैं, वायरल और डिसीजेज हैं, वो नहीं हो रही हैं। नंबर तीन, जो वातावरण में एक्सीडेंट, वातावरण में जो प्रदूषण था वो खत्म हो गया है, इसकी वजह से जो सांस फूलना और ये सब बीमारियां थी वो कम हो गई हैं। चौथा, एक्सीडेंटल डेथ बहुत कम नगे बरा हो रही है, लोग मूवी नहीं कर रहे हैं, अपने घर पे ही हैं, आना जाना बंद है, इसलिए मृत्यु मिला। हाथरस से राजेश सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।